पिछले कई महीनों में पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अब तक इसे अमलीजामा नहीं पहनाया गया है। कभी दिल्ली चुनाव तो कभी महामारी की वजह से विस्तार को टालना पड़ा है, लेकिन अब एक बार फिर कयासों का दौर तेज हो गया है। कहा जा रहा है कि सरकार को केवल बिहार चुनाव का इंतजार है, इसके बाद ही नेताओं की एंट्री और एग्जिट तय की जाएगी। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 1.5 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक उनकी नई टीम नहीं बन पाई है। बढ़ने की बजाय मंत्रिमंडल की संख्या कम ही हुई है, जिसमें ज्यादातर सहयोगी बाहर हुए हैं। और अब पासवान के जाने के बाद एक और पद खाली हो गया है, जिसके बाद से जल्द विस्तार की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि नवरात्रि में मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, मगर संभावना जताई जा रही है कि पीएम बिहार चुनाव के बाद अपने मंत्रिमंडल को नया रूप देंगे और मंत्रियों की संख्या को बढ़ाएंगे। ये बदलाव लगातार घटती मंत्रियों की संख्या के बाद किया जा रहा है। दरअसल पीएम मोदी ने अपनी दूसरी पारी में अपेक्षाकृत छोटी टीम 57 सदस्य शुरुआत की थी। तब चर्चा थी कि जेडीयू अपना दल जैसे दलों को जगह न मिलने की वजह से पीएम जल्द अपनी टीम का विस्तार करेंगे। इसी बीच शिवसेना कोटे के केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत और उनके बाद अकाली दल कोटे की केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने अपना पद छोड़ दिया। इसी दौरान रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। इस तरह से टीम मोदी में इस समय महज 53 सदस्य बचे हैं, जबकि पीएम अपनी टीम में 81 सदस्य रख सकते हैं। अब इस टीम में वे अपने सहयोगियों को जगह देते हैं या फिर बीजेपी के ही नेताओं को तवज्जो दी जाती है, इस पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि इस वक्त मोदी के मंत्रिमंडल में सहयोगियों का प्रतिनिधित्व लगभग खत्म हो गया है। शिवसेना, अकाली दल, आजसू समेत कुछ और छोटे दलों ने एनडीए से नाता तोड़ा है। दूसरी पारी में पीएम ने अपने 3 सहयोगियों को कैबिनेट तो एक को राज्य मंत्री का पद दिया था। इसमें से कैबिनेट के 3 पद अलग अलग कारणों से खाली हो गए। वर्तमान में सहयोगी दल से आरपीआई के रामदास अठावले ही बतौर राज्य मंत्री टीम मोदी में शामिल हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि पीएम मोदी बिहार चुनाव के बाद सहयोगियों को शामिल करने पर फैसला ले सकते हैं। इसकी वजह जेडीयू का प्रदर्शन है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि चुनाव में जेडीयू के प्रदर्शन के मुताबिक ही उसे पद दिया जाएगा। इसके अलावा पीएम आगामी चुनाव को देखते हुए दूसरे दलों को भी साधने की कोशिश करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन हो सकता है शामिल और कौन हो सकता है बाहर। डीबी लाइव की रिपोर्ट। समय प्रतिकूल है, मौसम अनुकूल है, वादों के फूल हैं, विवादों के शूल हैं, मौका है चुनाव का, पर्व है ये लोक का। चुनावी मौसम में, त्योहारी सीजन में देखिए हमारे साथ लोक पर्व। बिहार, मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों के चुनाव और उपचुनाव पर विशेष कवरेज।